नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में सीखो हिंदी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले ग्राहक हैं रियलमी कंपनी के फ़ोन जिसका मॉडल नंबर है Realme 7i। और दोस्तों आप इसका रिव्यूस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले चेक करते हैं फोन में फायर पिलो लगा कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सेटअप कर लेंगे इस तरह, नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और इसको करना है नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आपको सामने देखिए स्किप ऑप्शन मिलेगा, इसको स्किप करना चाहेंगे पर स्किप नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फोन को करना होगा वाईफाई से कनेक्ट। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के अपने मोबाइल फोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों आपके सामने देखिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख जाएगा, फिर इसको करना है नेक्स्ट नेक्स्ट करने का। दोस्तों यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट्स आएगा, फिर आपको यहाँ पे देखिए इस तरह इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मिलेगा डोंट कॉपी वाला ऑप्शन, तो अपने फोन में करना डोंट कॉपी। डोंट कॉपी करने का दोस्तों यहाँ पे आएगा इस तरह ऑप्शन पासवर्ड डालने का। अगर आपको पासवर्ड डालना था उसको डाल के फॉर अपडेट्स कर सकते हैं अगर आपको अपना पासवर्ड पता है तो। अगर आपको अभी नहीं पता आपको करना है नेक्स्ट, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे, आगे नहीं बढ़ रहा तो यहाँ पे करना है कट, कट पे करना है टच। फिर इसके दोस्तों यहाँ पे क्या वेरीफाइड अकाउंट अपनी जी मेल आईडी और पासवर्ड डाल के अपना मोबाइल फोन का फॉर अपडेट्स कर सकते हैं इसलिए। और यहाँ पे देखो स्किप का ऑप्शन भी नहीं आता, वो कुछ भी नहीं पता उसको सिंपली करना पूरी तरह बैक। पूरी तरह बैक करने का दोस्तों यहाँ पे लास्ट में आओगे तो यहाँ पे इस तरह इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे अपने मोबाइल फोन में टॉकबैक ऑन करना होगा। टॉकबैक ऑन करने के लिए वॉल्यूम के दोनों बटन दिखेंगे, आपको दोनों बटन को एक साथ दबाना है। फिर यहाँ पे आएगा टर्न ऑन वाला ऑप्शन, तो इस तरीके से दबा कर रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए टॉकबैक टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा, टर्न ऑन करना है इस तरीके से आपको। टर्न ऑन पर करना है टच, तो यहाँ पे आपके सामने फिर दोबारा से आपको अपने मोबाइल फोन में दोनों बटन दबाने होंगे, वॉल्यूम वाले ये वाले जो भी हमने दबाए थे टॉकबैक ऑन करने के लिए। तो दोबारा से हम दबाएंगे तो अब आप देखेंगे हमारे फोन में टॉकबैक ऑन हो जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से उल्टा एल बनाना है, देखिए इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक बार में काम ना करे तो दो तीन बार आप ट्राई कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस तरीके से उल्टा एल बनाना है। फिर मिलेगा वाइल यूजिंग दिस ऐप, तो इस पर करना है टच। फिर आपके सामने दोबारा से इस पर डबल टैप कर देना है। दोस्तों आपको यहाँ पे देखिएगा यूज वॉइस कमांड्स पे करना है, डबल टैप कर देना और बोलना है ओपन सेटिंग्स। फिर आपके सामने दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि आपके फोन की सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर अपन पे सिलेक्ट करना है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे दोस्तों सिंगल टैप काम नहीं करता, तो आपको पहले टॉकबैक यहाँ पे बंद करना होगा। देखिए इस तरीके से दोनों बटन को आपको वॉल्यूम के द्वारा से दबाना होगा, तो यहाँ पे आपके फोन में टॉकबैक बंद हो जाएगा। देखिए नीचे तरफ लिखा हुआ आ गया टर्न ऑफ, ठीक है भाई, टॉकबैक टर्न ऑफ हो गया। फिर अपने सिलेक्ट करना ऊपर तरफ, यहाँ पे देखिए आपको अबाउट में आके दिखाते हैं हमारे फोन का मॉडल नंबर, यहाँ पे Realme 7i और इसका एंड्रॉइड वर्जन 11, देखिए जैसे कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर आपको दोस्तों इसको करना है बैक, तो यहाँ पे दोस्तों इसको बैक करने के बाद यहाँ पे आपको आना है इस तरीके से, देखिए फ्रेंड्स एडिशनल सेटिंग में। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ मिल जाएगा आपको एडिशनल सेटिंग, इस पर करना है टच। फिर आपको सामने इंटरफेस शो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सामने देखिए अपने सिलेक्ट करना है ऊपर की तरफ, यहाँ मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, तो आपको इस पर करना है टच। फिर यहाँ पे मिलेगा इरेज ऑल डाटा, इस पर करना है टच। फिर यहाँ पे आपको देखिए रीसेट नेटवर्क सेटिंग मिलेगा, तो इस पर करना है आपको टच। तो पहले आपको यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर टच करके रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर लेनी इस तरीके से। फिर आपको मिलेगा इरेज ऑल डाटा, इस पर करना है टच और इरेज ऑल डाटा करना। तो इस तरीके से दोस्तों आपके फोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा लेकिन आपका एफ आर पी बस हो जाएगा। देखिए फिर इस तरीके से आपको इसका यहाँ पे आपको इरेज ऑल डाटा करना, फिर कुछ ही देर में आपका फोन रिबूट होगा यानी फिर बंद होकर चालू होगा, तो यहाँ बंद होगा। फिर यहाँ पे देखिए वाइपिंग डाटा हो जाएगा इस तरीके से, तो सारा डाटा डिलीट हो रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फोन बंद होगा यानी रिस्टार्ट होगा। तो आपको वेट करना है, यहाँ पे 3 से 4 मिनट ले सकता है आपका फोन ऑन होने में। यहाँ पर हमने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए रियलमी लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पे हमारा फोन जो है ऑन हो रहा है। कुछ ही देर में देखिए फिर हमारा फोन ऑन हो गया, ऑन होने का इस तरह सेटअप आ गया आपको। आपको यहाँ पर सेटअप कर लेना, नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशन, फिर नेक्स्ट करना है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए अब स्किप का ऑप्शन आ गया, स्किप करना है, तो यहाँ पे देखिए अलाउ आ रहा ऑप्शन, अलाउ करना है टर्म्स एंड कंडीशन को, अलाउ कर देना है, मोर करना है, मोर करना है, नेक्स्ट एक्सेप्ट करना है। फिर लेटर कर देना है, फिर इस तरह से लेटर करना है और इसको लेटर कर देना है, फिर इसको लेटर कर देना है। फिर वेलकम आ गया दोस्तों, यहाँ पे गेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके दोस्तों हमारा मोबाइल फोन का एफ आर पी पास हो गया Realme 7i का। तो इस तरह दोस्तों आप भी अपने फोन का एफ आर पी पास कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो चले प्लीज़ को लाइक करें एंड हमारे चैनल सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर दोबारा चेक करा, देखिए Realme 7i, और हमें स्क्रीन को यहाँ पे देखिए लॉक करके ऑफ करके ऑन करके दिखा देते हैं। देखिए हमारे फोन का एफ आर पी पास इजिली हो गया इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स वीडियो चले प्लीज़ को लाइक करें।